नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनेश रेडकिन में स्वागत है। दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए आज चर्चित खेल व्यक्तित्व पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, पहले देखते हैं हरप्रीत सिंह। बीसीसीआई के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ की 18 सदस्यीय टीम घोषित कर दी गई है और टीम की कप्तानी बल्लेबाज हरप्रीत सिंह भाटिया को सौंपी गई है। इसके बाद है चित्रसेन साहू। दोस्तों, रायपुर के चित्रसेन साहू ने प्रोस्थेटिक लेग के दम पर अफ्रीका महाद्वीप के पहाड़ किलिमंजारो की 5685 मीटर ऊंची चोटी गिरमंस पर जो है तिरंगा लहराया है। इसके बाद है नैना सिंह धाकड़। दोस्तों, बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ ने 15 अगस्त की सुबह मनाली से लेह खारदुंगला तक 5602 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला फतह कर राष्ट्रीय गीत गाते हुए वहां तिरंगा फहराया। इसके बाद है आयुषी चौहान। दोस्तों, आयुषी चौहान को अमेरिका की नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन NCAA की सिलेक्शन कमेटी की ओर से कैरियर डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है आकर्षी कश्यप। दोस्तों, इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप का चयन भारतीय टीम में एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। इन्होंने बहरीन के ईसा टाउन में आयोजित इंटरनेशनल सीरीज इनविटेशन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार जो है प्रदर्शन करते हुए ब्रांज मेडल जीता। इसके बाद दोस्तों, कोमल श्रीवास। दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ की पहली महिला शूटर बन गई है। याद रखेंगे, कोमल श्रीवास जो है छत्तीसगढ़ की पहली जो है महिला शूटर है। इसके बाद दोस्तों, साक्षी मिश्रा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की साक्षी मिश्रा ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित टूर्नामेंट में अंडर 18 वर्ग में खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद है हेमंत खोटे। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ टीम के नए कोच नियुक्त हुए हैं। याद रखेंगे, हेमंत खोटे ये जो है छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ टीम के नए कोच नियुक्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, संतोषी मांझी। दोस्तों, 16वीं राज्य स्तरीय महिला पुरुष बॉडी बिल्डिंग में रायपुर की महिला बॉडी बिल्डर संतोषी मांझी ने खिताब पर कब्जा जमाया। संतोषी जो है लगातार दो बार इस खिताब पर कब्जा जमा चुकी है। इसके बाद दोस्तों, सीवी पांडे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ओर से किसी भी वर्ग में शतक लगाने वाली जो है यह प्रथम महिला क्रिकेटर हैं। इसके बाद है संगीता राजगोपाल। दोस्तों, नेशनल सीनियर बैडमिंटन की एकल और युगल दोनों खिताब यह जो है जीत चुकी हैं। इसके बाद है सिद्धार्थ विश्वकर्मा। दोस्तों, गोंडवाना कप टेनिस प्रतियोगिता जीतकर ऑल इंडिया स्तर पर जो है अपनी पहचान बनाई है सिद्धार्थ विश्वकर्मा ने। इसके बाद दोस्तों, सिद्धार्थ प्रताप सिंह। दोस्तों, 20 वर्षीय सिद्धार्थ प्रताप सिंह ने सीनियर इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट में पहली बार जो है सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद दोस्तों, सुश्री टिकेश्वरी साहू। दोस्तों, गोवा में आयोजित वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने सुश्री टिकेश्वरी साहू ने, और इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी बनी मोहन कुमार जो है। इसके बाद देखते हैं मोहन कुमार। दोस्तों, कनाडा के सेंट जॉन्स शहर में आयोजित कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मोहन कुमार ने 93 किलो वजन वर्ग समूह में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, निशा बोयर। दोस्तों, नेपाल में आयोजित एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की निशा बोयर ने महिला फिटनेस बॉडी बिल्डिंग में जो है गोल्ड जीता। इसके बाद दोस्तों, नीता डुमरे व हर्षा साहू। दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर नीता डुमरे और नेशनल कराटे ट्रेनर हर्षा साहू को स्वीप सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया। मोर रायपुर वोट रायपुर अभियान से जोड़ते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की शपथ दिलाई। इसके बाद है अभय कुमार। दोस्तों, प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत छत्तीसगढ़ पुलिस की
महिला वॉलीबॉल टीम कोच व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अभय कुमार गणोकर का अंतर्राष्ट्रीय यूरोपियन मास्टर गेम्स वॉलीबॉल की इंडियन टीम में जो है चयन हुआ है। इसके बाद दोस्तों प्रमोद कुमार, दोस्तों छत्तीसगढ़ के कराटे खिलाड़ी प्रमोद कुमार ने नेपाल में हुए इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके बाद है रोशनी, दोस्तों ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में कवर्धा की रोशनी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। इसके बाद है सौरभ, ऑल इंडिया टेनिस संघ और छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ की ओर से आयोजित गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल का खिताब छत्तीसगढ़ के सौरभ ने जो है अपने नाम किया है, याद रखेंगे सौरभ ने। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे हम आपके लिए और नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हमारे जितने भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।